मैं पहली बार प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शनकारियों को फिल्म के उद्घाटन के समय एक सरकारी भवन के बाहर देखता हूँ। वे वहाँ अपने भ्रष्ट गवर्नर सैंड्रो कोरिया के विरोध में एकत्र हुए थे, जिस पर सार्वजनिक धन की चोरी का आरोप लगाया गया था। राज्यपाल एक टेबल के नीचे छिप जाता है या एक नकाबपोश आदमी उसे खोज लेता है क्योंकि आबादी संरचना पर वस्तुओं और पत्थरों को फेंकती है। अगला दृश्य दाफोस के कुछ सदस्यों को तैयार और सशस्त्र होते हुए दिखाता है। वे बाद में एक इमारत में पहुंचे जहां एक आदमी अपनी कॉफी पी रहा था। गवर्नर सैंड्रा वह व्यक्ति थी। गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके मुख्य कार्यालयों की पूछताछ कक्ष में लाया गया। उनके साथी पुलिस ने बेईमान गवर्नर को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए नए और मिगुएल की सराहना की। पूछताछ कक्ष में उन्होंने उसे सूचित किया कि उनके पास धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की चोरी का सबूत है। राज्यपाल उन्हें बताता है कि वह हर उस व्यक्ति को फांसी देना जारी रखेगा जो उसके अपराधों या गलत कामों को उजागर करने की कोशिश करता है। यहाँ तक अधिकारी को काम पर रखना भी एक ऐसी चीज है जिसे वह चार्ज होने से बचने के लिए करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद राज्यपाल के वकील ने दिखाया कि वह अच्छे भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने जिला अटॉर्नी कार्यालय के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। उसने उससे वादा किया कि उसे जल्द ही हिरासत से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जांच के दौरान उसे घर में नजरबंद रखा जा सकता है। डीए के कमांडर ने एक संक्षिप्त बैठक बुलाए और प्रतिभागियों को सूचित किया कि गवर्नर कोरिया द्वारा स्वास्थ्य बजट की चोरी का समर्थन करने वाला सबूत अपर्याप्त है। उसने उसे घर में नजरबंद रहने और परिणाम स्वरूप घर जाने देने का फैसला किया। उसके बाद मिगुएल और उसका साथी कार्यस्थल छोड़ देते हैं। जब मिगुएल अपनी बेटी को देखने गया तो वह अपनी बेटी को फुटबॉल खेल में लाने के लिए अपनी माँ के साथ सड़क पर उसका इंतजार कर रही थी। वे वहीं इंतजार कर रहे थे। मिगुएल दिखाते हैं कि वे अपनी बेटी के लिए एक टी शर्ट ले जा रहे हैं। वह अनुप्राणित हो जाती है जबकि उसकी माँ तस्वीरें शूट करती है। वह उसकी शर्ट दान करने में उसकी सहायता करता है। मिगुएल फिर उसे एक कैब में ले जाता है। ट्रैफिक जाम देख वे वाहन से उतर गए। जब वे स्टेडियम जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे तो उनकी बेटी को एक अंधी गोली लग गई। उसे रक्तस्राव होने लगा। मैकगिल ने अपनी बेटी को तुरंत चिकित्सा के लिए अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो चिकित्सकों ने मिगुएल की बेटी एलिस को तुरंत हटा दिया और उसे आपातकालीन विभाग में ले जाने के दौरान बाहर इंतजार करने को कहा। अस्पताल के दालान में प्रवेश करने से पहले मिगुएल इंतजार करता है और वहां धैर्यपूर्वक प्रवेश करता है। वह अक्सर अपने खतरनाक रोगियों को खुले और उपेक्षित पड़े हुए देखता है। जब उसने इन लोगों और जर्जर चिकित्सा सुविधाओं को देखा तो वह चकित रह गया। उन्होंने उसी समय अपनी बेटी एलिस को सर्जरी रूम के सामने बेफिक्र पाया। वह डॉक्टर से पूछता है कि वे उसे ऑपरेशन रूम में क्यों नहीं ले गए और डॉक्टर का जवाब था कि अस्पताल में कई ऑपरेशन रूम नहीं थे, इसलिए कई लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। एलिस की नब्ज धीरे धीरे बंद हो गई और अत्यधिक रक्तस्राव और देखभाल में देरी के बाद उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद एलिस की पूर्व पत्नी मिगुएल के अस्पताल पहुंची और यह जानकर बुरी तरह डर गई कि उसकी छोटी बेटी का निधन हो गया है। अपर्याप्त सबूत के कारण जमानत मिलने के बाद राज्यपाल को निम्नलिखित दृश्य में नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया था। निम्नलिखित दृश्य में वह माइक्रोफोन के पास जाता है और घोषणा करता है कि वह राष्ट्रपति के लिए दौड़ेगा। वह सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए धन में सुधार करने का वादा करता है। वह लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दूसरी तरफ मिगुएल अपनी बेटी के बारे में सोचता है क्योंकि वह सड़कों पर दौड़ता है। उसका मानना कि अस्पताल की खराब सुविधाओं ने उसकी बेटी की मौत में योगदान दिया। मिगुएल का मानना कि अगर चिकित्सा समुदाय के पास अस्पताल की बेहतर सुविधाओं और उपकरणों तक पहुंच होती तो शायद उनकी बेटी को बचाया जा सकता था। उनके अनुसार पीड़ितों की अनदेखी या उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उसकी दुकान के पास चल रहा है। उन्होंने समाचार देखा कि गवर्नर कोरिया को जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें किसी भी गलत काम या स्वास्थ्य की चोरी का दोषी नहीं पाया गया है। कोश सिस्टम के प्रति मैकगिल का गुस्सा और हताशा बढ़ती ही गई। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों पर गुस्से से हमला करने से पहले सरकारी भवन के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों के बीच अपना रास्ता बनाया। उसने वहां नकाब पहन रखा है जबकि पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को हराया जो इमारत की रक्षा कर रहे थे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह एक प्रशिक्षित विशेष बल सैनिक थे। वह संरचना पर चढ़ता है और अंदर चलता है। उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए जहां राज्यपाल छिपा हुआ था, वह राज्यपाल के अंगरक्षकों में से एक को मार डालता है। उसकी लगातार पिटाई के कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मिगुएल काम करने के लिए रिपोर्ट करता है और डीईए के प्रमुख ने उनसे और अन्य डीईए सदस्यों से किसी भी प्रदर्शनकारियों पर गौर करने का आग्रह किया जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया हो। वह उन्हें सूचित करता है कि जांच दल कई संदिग्धों को पकड़ने में सफल रहा जिनके बारे में सोचा गया था कि वे विरोध प्रदर्शन के आयोजक थे। मिगुएल इस महिला से उस रैली में मिला था जहां वह पुलिसकर्मी को मार रहा था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह नई महिलाओं में से एक को संदेह है कि कमरे में महिला मिगुएल द्वारा पूछी गई है।
वह खुद को नीना के रूप में पेश करती है और बताती है कि वह एक प्रोग्रामर है। इसके अतिरिक्त नीना उसे स्वीकार करती है कि वह जानती है कि मिगुएल वह था जिसने पुलिस पर हमला किया था, और वह आगे दावा करती है कि उसके आईफोन पर उसकी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग है। वह सबूत के कमरे में अपना फोन चेक करता है। उसे पता चला कि वह सही थी। मिगुएल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हम अंततः उसे छोड़ देते हैं। मिगुएल नीना के अपार्टमेंट के पते का पता लगाता है और वीडियो और उसके फ्लैट में क्या हुआ इसकी समीक्षा करने के बाद रात में वहां जाता है। उसने उसे सड़क पर जाते हुए देखा। नीना उसे कोरिया के गवर्नर का लैपटॉप सौंपती है और एक अस्पताल से चिकित्सा उपकरण और वित्त की चोरी के मामले की जांच में मिगुएल की सहायता करने की पेशकश करती है। इस समय मिगुएल के अनुसार कोरिया इस कार्य को अकेले पूरा नहीं कर पाएगा। नीना द्वारा कोरिया के निजी लैपटॉप में सेंध लगाने के बाद मिगुएल को गबन मामले में शामिल व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वह इस भ्रष्टाचार में भाग लेने वाले राजनेताओं की प्रोफाइल को प्रकट करती है। फिर तैयार होने के बाद मिगुएल भ्रष्ट राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए गया जो स्वास्थ्य विभाग में चोरी और भ्रष्टाचार के प्रभारी भी हैं। मिगुएल खुद को उसी नकाब से छुपाते हुए उन सभी को मार देता है। राजनेताओं की बार बार हत्याओं की खबरें तेजी से वायरल हुई। फिर मिगुएल काम पर नीना के पास गया और उससे उन प्रायोजकों को ट्रैक करने का आग्रह किया जो इन बेईमान अधिकारियों के अभियानों के लिए भुगतान कर रहे थे। नीना मना कर देती है, लेकिन मिगुएल नीना की मां की जेल की सजा कम करने की पेशकश करता है। कुछ समय बाद नीना अपनी मां के पास जाती है और सत्य के महत्व के बारे में पूछती है। जवाब में उसकी मां कहती है कि सच्चाई केवल एक भ्रम है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो सच है वह वैसा नहीं हो सकता है जो अगले दृश्य में दूसरे के लिए सच है। नीना खुद उन बेईमान राजनेताओं के प्रायोजकों की पहचान का पता लगाती है। गोमेज, जब गोमेज एक इमारत में मंत्री रेजिना को देखने के लिए आता है तो नीना राज्यपाल के निधन के दिन वहां सुरक्षा कैमरा प्रणाली का नियंत्रण लेती है और यह मुख्य कार्यालय में संदिग्धों की फाइलों को देख रही थी। नीना की प्रोफाइल को खोजने के बाद वह यह निर्धारित करने में सक्षम था कि मंत्री शहीद रेजिना अगला व्यक्ति था जिसे द अवेकने के रूप में जाना जाने वाला रहस्यमयी व्यक्ति हमला करने का इरादा रखता था और मिगुएल को इस बारे में बताने के लिए उसे मूर्ख बनाने का प्रयास करता था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। वह फिर अपने आप प्रस्थान करता है और मंत्री के कार्यालय के लिए जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात नकाब वाले शख्स से होती है। मिगुएल का पीछा करने और उसे गोली मारने के बाद मिगुएल के आते ही नीना उसकी चोटों की जांच करती है। अगले दिन मिगुएल और ईदो ने बताया कि उन्होंने मंत्री रेजिना के बारे में क्या सीखा था। एंटेरो गोमेज के साथ सहयोग गोमेज वह था जिसने भ्रष्ट अधिकारियों के राजनीतिक अभियान में धन का योगदान दिया था। मिगुएल और एडी ने मंत्री रेजिना की जांच करने का निर्णय लिया, हालांकि उनके प्रमुख ने हर बात को अस्वीकार कर दिया। खोज व्यक्ति ने कहा कि उन्हें मंत्री रेजिना मिगुएल की अपनी पूछताछ को रोक देना चाहिए, इस फैसले से नाराज हैं और गोमेज को अपने हाथों से मारने का फैसला करता है। एक बार वहां उन्हें कई अन्य अधिकारियों के साथ डिनर का आनंद लेते देखा गया। वह अंततः गोमेज निवास पहुंचे। गोमेज का बेटा भी अपनी मां के साथ बैठक में उपस्थित था और चिंता व्यक्त कर रहा था कि वह राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए तैयार नहीं था, और गोमेज ने अपने बेटे को दिखाया और सांत्वना दी। हालांकि मिगुएल ने गोमेज के बेटे को उद्देश्यपूर्ण तरीके से मार डाला ताकि गोमेज को अपने अपराध को पहचानने और स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि गोमेज ने जनता से समर्थन हासिल करने और राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के लिए अपने बेटे की मृत्यु का लाभ उठाया। इस बीच एक कार में एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है और यह पता चलता है कि वह एंटेरो गोमेज निजी जासूस है जो अपने सहकर्मियों की मौतों को देख रहा था। देखिए कारा उसका नाम था। हत्याओं को देखने के लिए गोमेज द्वारा उन्हें सीधे भर्ती किया गया है। उसे पता चला कि कातिल अकेले काम नहीं कर रहा था और अपनी गणना के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है कि जागृति का साथी नीना का बॉस है। उसने अंततः उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। जब नीना काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस का निधन हो गया है। उसने जल्दी से क्षेत्र छोड़ दिया और मिगुएल के घर पर अपना रास्ता बना लिया। तारा और उसके आदमियों को देखे जो नीना के वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुझे गिल के छिपने की जगह पर तुरंत हमला कर दिया। मिगुएल उसे बंदूक की गोली से बचाते हुए नीना को क्षेत्र छोड़ने का आदेश देता है। निम्नलिखित दृश्य में मिगुएल को अपना मुखौटा दान करते हुए और अन्यायियों की हत्या करते हुए दिखाया गया है। देखिए कारा नीना का अपहरण करने में सक्षम थी जब वह अपने एक आदमी के साथ लड़ाई में लगी हुई थी। उसने नीना को जीवित रखने के लिए मिगुएल के साथ सौदा किया। तो कारा ने मिगुएल को जूलियन मचाडो पर हमला करने का आदेश दिया, एक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति पद के दावेदार। मिगुएल सहमत है। पुलिस अंततः मैकगिल के घर पर दिखाई दी। जगाने वाले के छिपने की जगह का पता एडी हु और उनकी टीम ने लगाया। एडी को यह जानकर और भी झटका लगा कि जगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सहकर्मी मिगुएल था। यह जानते हुए कि उन्होंने इस क्षेत्र में देखा और सीखा कि गोमेज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चर्चा के स्थल पर जा रहे जागरण का लक्ष्य था। एडू और उनके कर्मचारी मिगुएल वहां भी जूलिया को मारने जाता है।
निगुल तट के स्थान पर पहुंचे और जूलिया की हत्या करने के लिए तैयार हो रहे थे और जो देखा उसने उसे तुरंत रोक दिया। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। एडी मिगुएल को रुकने का आदेश देता है लेकिन मिगुएल उसे अनदेखा करता है और आगे बढ़ता है। उनकी बातचीत उनके लिए मायने नहीं रखती थी। हालांकि नीना, जिसे सिकिरा द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा जा रहा था, वापस लड़ी और अंततः सिकिरा को बहुत चोट पहुंचाने में सफल रही। मिगुएल को बाद में बेईमान अधिकारियों की हत्या के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने तब मैकगिल की पूर्व पत्नी को अपनी पूर्व पत्नी को मनाने के प्रयास में बुलाया, ने दावा किया कि मिगुएल की सतर्कता के हालिया कार्यों के बारे में जानने के बाद उनका बच्चा अपने पिता पर शर्म महसूस करेगा। मिगुएल को पता चलता है कि एंटेरो गोमेज ने चुनाव जीता जबकि वह अभी भी जेल में है। डिप्टी डियाज के रूप में मिगुएल के वरिष्ठों में से एक उससे पूछताछ करने आता है कि वह मिगुएल की हत्या करने का प्रयास करता है। हालांकि मिगुएल भागने में सफल रहा और उस आदमी की हत्या कर दी। जैसा कि गोमेज और उनके साथी राजनेता परिणामों में जूलिया को हराने में कामयाब होने के बाद गोमेज की जीत का जश्न मना रहे थे, मिगुएल जेल से बाहर निकलता है, अपनी बंदूकों और बारूद को इकट्ठा करता है और संसद भवन की ओर भागता है। मिगुएल ने विधान भवन पर तत्काल हमला किया जिसमें गोमेज के सभी पुरुष और सहकर्मी मारे गए। जब वह अंत में अपने कार्यालय में गोमेज का सामना करता है तो वह मिगुएल को सूचित करता है कि चूंकि ग्रीन एक मौलिक मानवीय विशेषता है, भ्रष्टाचार दुनिया से दूर नहीं होगा। गोमेज के मारे जाने के बाद मिगुएल ने गोमेज को मार डाला। हालांकि मिगुएल के पास एक बैकअप योजना है। उसके पास पहले से ही एक बम तैयार था और उसे उसने अपनी कार में सुरक्षित रख लिया था। जब मिगुएल ने विस्फोटक ट्रिगर को दबा दिया तो संरचना आग की लपटों में फट गई और मिगुएल को अपने साथ अंदर उठा लिया। अगले दिन जब बचावकर्ता पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची तो मैकगिल का शरीर अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने केवल यह खोजा कि अवेकनर फिल्म का मुखौटा है।